रांची के फुटपाथ दुकानदार आज जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के खिलाफ राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। सभी फुटपाथ दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरना देने पहुंचे हैं। फुटपाथ दुकानदारों ने प्रशासन पर अवैध रूप से रुपये उगाही और सीजर लिस्ट के सामान को जब्त करने का भी आरोप लगाया है। हम लोगों का सिर्फ एक ही सूत्री मांग है कि जो हमारा कानून के अनुसार जो हमें हक और अधिकार मिला है उसका इम्प्लीमेंट पूरे शहर में हो। जो कानून हमें मिला है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश के अनुसार जो अधिकार मिला है, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन रांची नगर निगम के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, उसी के खिलाफ यह महाधरना का कार्यक्रम किया गया है। निगम के टीम द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जबरन फुटपाथ दुकानदारों के सामानों को जब्त किया जा रहा है, उन्हें उजाड़ीकरण किया जा रहा है और जब्त सामानों को छोड़ने के एवज में मोटी मोटी रकम की डिमांड किया जाता है। साथ ही साथ इन्फोर्समेंट टीम और जो नगर निगम का जो विजिलेंस टीम है वो फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने के नाम पर मंथली रुपये बांधने का काम कर रहे हैं। दुकानदार नेशनल हॉकर फेडरेशन के तरफ से है, हम लोग एक दिवस से धरना दे रहे हैं। गया कुछ दिनों से लगातार फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर नगर निगम के एनफोर्समेंट टीम के द्वारा अवैध वसूली चल रहा है। टाउन वेंडिंग कमेटी से ये सहमति से नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि फुटपाथ दुकानदारों का हटाने के ऑर्डर सिर्फ नगर निगम के सीओ का नहीं है, सीओ सर का नहीं है, ये ऑर्डर तो पूरा टाउन वेंडिंग कमेटी बैठ के निर्णय लेंगे। फुटपाथ दुकानदारों का आई कार्ड और वेंडर सर्टिफिकेट देने की बात थी लेकिन अभी तक ये नहीं दिया गया है। आज फुटपाथ दुकानदार रोड पे उतरा है, गया 12 साल से लड़ाई कर रहे हैं। सिर्फ वेंडर मार्केट और नागा बाबा खटाल देने से थोड़ी होगा, हमारा फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए प्रधानमंत्री का जो 10,000 का लोन है, आज प्रत्येक व्यक्ति 10,000 का लोन लिया है तो कैसे चुकाएगा। एक जन के पास 5,500-2,000 रुपया का वसूलीकरण चल रहा है तो ये गैर तरीका से अवैध वसूलीकरण बंद करना होगा। फुटपाथ दुकानदारों के ऊपर में खदेड़ना बंद करना होगा। हमारा मांग है इनको व्यवस्थित करिए लेकिन उनको उजारिए मत। अगर उजारेंगे तो फुटपाथ दुकानदार रोड में उतर के लड़ाई किया है, अपना हक और अधिकार को लेने के लिए फिर से लड़ाई करेंगे।